फरिथला विधायक नयनपाल रावत से नवनिर्वाचित सरपंचों व पंचों ने न्यू कॉलोनी में मुलाकात कर गांव की समस्याओं को उनके सामने रखा और एक मांग पत्र सौंप कर फरिथला विधानसभा के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों की मांग की। विधायक ने भी जल्द ही उनके इस मांग पत्र पर विकास कार्य कराए जाने की बात कही। फरिथला विधायक एवं वेयर हाउस के चेयरमैन नयनपाल रावत ने कहा कि उनसे फरिथला विधानसभा क्षेत्र के सरपंच और पंचों ने मुलाकात कर अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर विकास कार्यों की मांग की है, जिस पर जल्द ही संज्ञान लेकर विकास कार्यों को गति प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव देरी से होने के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को लेकर कई समस्याएं उभर कर सामने आ रही हैं। कोरोना काल के चलते भी विकास कार्य में काफी बाधाएं आई थी, लेकिन अब विकास कार्यों को तेज गति से कराया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में फरिथला विधानसभा क्षेत्र में अनेकों विकास कार्य करवाए गए हैं। उन्होंने कहा कि आगामी एक साल के अंदर फरिथला विधानसभा क्षेत्र की सभी सड़कों को पक्का करवाने का काम किया जाएगा। 1 जनवरी को वह स्वयं भी फरिथला विधानसभा क्षेत्र के सरपंच और पंचों के साथ एक बैठक भी करेंगे और उसी दिन सभी पंचायतों के विकास कार्यों के एस्टीमेट भी बनाए जाएंगे। कि आज हमारे भाई जो जनौली से हैं हरकेश तेवतिया जी, उन्होंने सभी जो नई पंचायतें चुनी गई हैं उनके सरपंचों को और अन्य मौजूदा लोगों को आज यहाँ बुलाया था और हमारे रूबरू कराया था कि भाई जो गाँवों की समस्याएं, क्योंकि बहुत समय से काम नहीं हुआ, 2-2.5 साल हमारी पंचायतें लेट चुनी गई हैं, उससे पहले 2 साल कोरोना रहा, तो गाँवों का जो विकास है वो बुरी तरह से खराब हुआ पड़ा है, काम विकास हुआ नहीं है, सड़कें टूटी हुई हैं। तो आज वैसे तो मेरी संज्ञान में है, तो आज मैंने उसके लिए इनको जवाब दिया है कि 1 साल के अंदर साल में 2 दफ़े इनके एस्टिमेट बनवाएंगे, 1-1 ग्रांट इनको 6 महीने से पहले देंगे और 6 महीने तक वो काम कंप्लीट करेंगे और अगली ग्रांट में अगले काम इनके बकाया पूरे कर देंगे। तो सभी पंचायतों को हमने ये, वैसे भी हमने 1 जनवरी को सभी सरपंचों को और पूरी पंचायतों को इकट्ठा बुलाया हुआ है और उस दिन इनके एस्टिमेट बनाने के, प्रस्ताव करने के आदेश हो जाएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की सोच है कि जो हम कोरोना काल में हम लेट हुए हैं वो 1 साल के अंदर, चाहे बाहर की सड़कों की बात है, चाहे गांव की सड़कों की बात है, चाहे चौपाल है, चाहे कोई अन्य विकास कार्य है, उसे 1 साल में कंप्लीट करके देना है। तो किसी तरह की कोई पैसे की अब कंजूसी हमारी सरकार के विकास का पहिया जो रुक गया था, लगता है आपको पटरी पे आ जाएगा ग्रामीण क्षेत्र? निश्चित तौर पर मैं मेरी जिम्मेवारी के साथ कहता हूँ कि 1 साल के अंदर जो विकास मुझसे छूटा है, जो काम मैं नहीं कर पाया हूँ, जो चीज़ें मान लो चाहे मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें हैं, चाहे PWD की सड़कें हैं, वो सारी टूटी पड़ी हैं, तो 1 साल के अंदर अभी जहाँ तक सड़कों की बात है, चाहे वो कोई सी भी सड़क है, मार्केटिंग बोर्ड की मैंने नई 8 सड़कें मंजूर कराई हैं, 6-12 सड़कें मेरी बन गई हैं लगभग 22 करोड़ की कीमत से, और बाकी की जो सड़कें हैं वो भी कंप्लीट करके मई और जून से पहले पहले, बरसात से पहले, फरिथला क्षेत्र की एक भी रोड टूटी नहीं रहेगी, ये बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहता हूँ।